नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट के बारे में। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है वो देख चुके थे सब कुछ। आज बात करेंगे, पहले अध्याय हमारा फ्रांसीसी क्रांति। तो इसे बड़े ध्यान के साथ सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अपवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और वो बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की सशक्त लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की एक शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, जानते हैं। चलिए, ये आपका है चित्र, दिख रहा है, ये बास्तील का ध्वंस है। बास्तील ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र भी बनाए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। सन 1774 में बोर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, यानी कि बैठा। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजधानी मैरी एंतो एनेत से हुआ। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ पड़ा हुआ था। सरकार ने कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगी थी। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने की पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। पर्याय कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था और एक केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। आपने देखा होगा अपने भारत में भी पहले बहुत लोग, अभी 2014 से पहले भी आपके यहाँ बहुत कम ही लोग कर अदा यानी कि टैक्स देते थे, लेकिन 2014 के बाद कुछ बदला और बहुत ठीक ठाक मात्रा में लोग देने लगे, फिर भी अभी बहुत कम है। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1989 से पहले के फ्रांसीसी समाज
एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्त टू, चित्त दो में एस्टेटस का समास। ध्यान दें कि तृतीय एस्टेट में कुछ लोग अमीर और कुछ गरीब भी थे। प्रथम एस्टेट में पादी वर्ग रहता था। द्वितीय जो एस्टेट है इसमें आपका कुलीन वर्ग रहता था। और जो आपका तृतीय एस्टेट था इसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि रहते थे। इसमें आपके किसान और कारीगर भी रहते थे। छोटे किसान, भूमिहीन और मजदूर नौकर भी आपकी राह करते थे तृतीय एस्टेट में। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और इस तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करता था। सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। आपने देखा होगा आपके यहाँ भी कुछ समय तक ब्राह्मण हो गए, शासक हो गए, फिर जो सामंती लोग थे, बड़े लोग थे, वो कर से छूट रहते थे और जमीन की अधिकांश हिस्सा इन्हीं लोगों के पास रहता था। ठीक है, तो इसी तरह वहां भी पादरी लोगों का, कुलीन लोगों का, बड़े लोगों का दबदबा था। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइद यानी कि धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल यानी कि प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। आपके अप्रत्यक्ष कर तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। यहाँ आप लोग अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष कर का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स का मतलब सीधा सा है कि अगर आप लोग आय कर देते हैं तो उसे डायरेक्ट टैक्स में जोड़ देते हैं, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर का मतलब है आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका भी तो आप कर दे रहे हैं, यानी कि वो आप डायरेक्ट कंपनी को कर नहीं दे रहे हैं लेकिन आप दुकानदार को घूमते हुए इस तरह दे रहे हैं, तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर में शामिल किया जाता है। ठीक है, लिब्रे, ये फ्रांस की मुद्दा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। जो आपने यहां देखा ना, लिब्रे से भी अधिक, 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज था फ्रांस पर। यह आपकी मुद्रा थी एक फ्रांस की, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। ए स्टेट की बात करें तो क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली एक श्रेणी होती थी। जो आपके पादरी थे, पादरी वर्ग, ये चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह होता था। यानी कि आप मंदिर के जिस तरह पुजारी होते थे उसी तरह चर्च के पादरी वर्ग होते थे। टाइद, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर होता था आपका टाइल। ठीक, इसे देख लीजिए, कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। कुलीन व्यक्ति क्या था? मकड़ा। और किसान व्यक्ति मकड़ी। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा आदि, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसका एक नजर देखना तक नहीं, उसकी ओर एक नजर भी नहीं देखता। देख रहे हैं, आगे चलते हैं हम लोग। मकड़ा मक्की, एक अनाम उत्कीर्ण चित्त, जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 यानी कि 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर आपकी 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के
मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। महंगाई की दर से उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी, फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती हैं जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते। अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं उसे कहते हैं अनाम। एक बात आप लोग जानते हैं कि आप लोग, आपने देखा होगा कई बार आप छोटे बच्चों को कई बार अगर उन्हें मारते रहिए वो भी एक बार मारने के लिए दौड़ जाते हैं गुस्से में। तो हम किसी पर भी जुल्म ढाएंगे, एक हद होती है किसी भी जुल्म की। आप सोचिए कि अगर आप किसी पर जुल्म करे ही जा रहे हैं तो एक ना एक दिन वो आपसे लड़ बैठेगा। तो इसी तरह जनता का भी हाल था, किसानों का भी हाल था कि एक हद होती है सहने की, उसके बाद क्रांति होती है, विद्रोह होते हैं। ठीक है, जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है? खराब फसल, अब गरीब गुरबा पावरोटी नहीं खरीद पाएंगे। जब फसल खराब होगी तो कई लोगों मजदूरी भी करते होंगे, फसल से उनका आजीविका भी चलती होगी, तो अब अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की महामारी कुपोषण फैलते हैं, आपने देखा ही होगा। ठीक है, उभरते मध्य वर्ग में ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। आपने अपने देश में भी सुना होगा 1857 का विद्रोह, किसान विद्रोह, कामगार विद्रोह, आदिवासी विद्रोह। ठीक है, तो इस तरह के विद्रोह होते रहते थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्तुओं के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या फिर तो निर्यात किया जाता था या फिर समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार यानी कि जन्म से विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। इस तरह से जन्म अधिकार कह सकते हैं आप लोग, कि आपने देखा होगा राजा का बेटा राजा बनने के लिए तत्पर है, मतलब तैयार हो गया है। तो इस तरह के जन्म से ही जिसे अधिकार मिल जाते हैं उसे जन्माधिकार कहते हैं। तो पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ के जो थे वो मानते थे कि किसी भी समूह के पास जन्म अधिकार विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जैक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी अपने टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट में। लॉक ने राजा की देवी उन निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंतेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की। आप भी अपने भारत में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में सुनते रहते हैं। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां उसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान
और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। यानी कि कोई भी आपने देखा होगा कि आपके गांव में कोई अधिकारी बन जाता है तो आपका भी प्रेरणा उससे मिलने लगती है कि हम भी बनेंगे, कुछ करेंगे। तो इसी तरह से आपने देखा कि और यही परिणाम था हमारे भारत में क्रांति होने का, कि जब अमेरिका संविधान, अमेरिका आज़ाद हो गया, फ्रांस की क्रांति हुई, जापान, तब हमें भी लगने लगा कि हम भी हो सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी लोगों में जागरूकता बढ़ी। जागरूकता एक बहुत बड़ा शब्द है, आप लोग देखने में छोटा लगता है, लेकिन किसी भी काम के प्रति अगर व्यक्ति जागरूक हो जाता है तो कोई भी काम हो सकता है। फिलहाल आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों में कितनी जागरूकता बढ़ी, और आपने देखा है कि सफल भी हुआ है स्वच्छ भारत अभियान। अगर लोग इसमें शामिल ना होते तो कभी ये सक्सेस ना होता, फिर चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आता रहता। दार्शनिकों के इस विचारों पर काफी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई सोलेवा द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाने यानी कि टैक्स लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का एक वृत्तांत है। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डांटन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक पित्र को लिखा है वृत्तांत। मैं पैलेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहां मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सन्निध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मेरी जेब में 100 यानी कि फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ दिया था। व्यवस्था में हमें पढ़ा लिखा तो दिया था लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए। याद रखिए भी मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, आप कितने भी योग्य हों जब तक आपको मौका नहीं मिलता है आपकी योग्यता धरी की धरी रह जाती। आप भी मैं भी नेतृत्व करने की पूरी क्षमता है। आप एक देश को, मुझे लगता है कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बेहतर आप काम कर सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से बेहतर काम कर सकते हैं। कई लोग हमारे देश में ऐसे पड़े हुए हैं लेकिन उन्हें मौका मिले तब तो बताइए, आप ही बोलिए। अब जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो उनके नेताओं के बेटे हैं, उन्हीं को तो मौका मिलेगा। अब आपको हकीकत में कुछ और है, मानिए या न मानिए, आपको वहाँ तो पहुँचने में बहुत कष्ट होगा। कहते हैं मोदी चाय वाला है तुम, ठीक है हो सकता है ऐसा, लेकिन अभी आप सोचिए क्या संभव है इस तरह का, आपको लगता है बहुत मुश्किल है। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी की को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती हैं, उनके बेहतर बर्ताव करता है, जो अपनी पीड़ितों की तरह सुनते हुए बोझ उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटी का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। ठीक है, फिर आपका क्रांति की शुरुआत, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं क्रांति की शुरुआत की ओर। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई सोलेवे ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, इसके लिए उसे एस्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर
मंजूरी लेनी पड़ती थी। इस तरह से ले सकते हैं इसे आप लोग, जिस तरह से सरकार कोई एक तरफा फैसला नहीं ले सकती है, उसके लिए आपकी संसद से मंजूरी मिलनी जरूरी होती है। तो इसे भी आपकी प्रतिनिधि सभा से मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिनमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक अलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था, फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु उस तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसके प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे एस्टेट की प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाता तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था। उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली विचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी थी। आपके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, भी याद रखिए आप लोग। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां 1774 लुई 16वें फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका होता है। समय प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। क्या होता है, युद्ध ऐसी चीज है सेना पर जो आप लोग खर्च करते हैं उसके बदले में मिलता कुछ नहीं हमें। जापान का एक सक्सेस होने का यानी कि विकसित होने का राज ये भी है कि उसे अपनी सेना पर बड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, रक्षा क्षेत्र के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और आप लोग देखते हैं कई देश हैं जो आपकी अपनी जीडीपी का 3-4% सेना पर खर्च करते हैं, इसके बदले कुछ मिलता भी तो नहीं है, बस देश की रक्षा। अब आप सोचिए कि इसकी जरूरत ही ना पड़े। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान और चीन जो भी आपके पड़ोसी देश हैं ये ईमानदार हों, मतलब हमें सेना रखने की जरूरत ना पड़े, तो सोचिए हम लोग कहाँ बढ़ सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आधा खर्च तो इसी में करते हैं, लड़ाइयों में। 1789 एस्टेट्स जनरल का आयान। तृतीय एस्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। वो बास्तील पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह होता है। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792-93 में फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। इस समय जेकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन होता है। 1804 में
नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है, ठीक है, 1815 में। टेनिस कोर्ट में शपथ, देखिए एक विशाल पेंटिंग के लिए जैक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन है। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। जमाखोरी का मतलब होता है सीधा सा कि किसी वस्तु का जमा करने लगना, बेचने की जगह उनका स्टॉक करने लगता, जिससे कीमत बढ़ जाती है, उसके बाद ये लोग बेचते हैं। आपने भी सोचा होगा प्याज की जमाखोरी होगी, अपने आप इस तरह के शब्द आप लोग सुनते रहते हैं। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रोध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धामा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठे तो लुठेरों के गिरोह बुला लिए, जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े। कई जिलों में भय को आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बैलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गई। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए व्यवस्था किया गया। इसमें धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया, चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई फ्रांस में। देखिए चित्त इसे भय की लहर का विषय। मानचित्र से पता चलता है कि इस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले जा रहे थे। फ्रांस संविधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संविधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। न्यायपालिका, न्यायाधीश, वोट, सक्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 यानी कि 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग। वोट, इनके वोट, निर्वाचक 50,000 पुरुष। वोट, नेशनल असेंबली 745 सदस्य, ये आपकी विधायिका है। फिर आपकी सम्राट नियंत्रण में मंत्री भी होते थे, ये आपकी कार्यपालिका के द्वारा, ठीक है। निष्क्रिय नागरिकों की बात करें तो मताधिकार प्राप्त नहीं था। सक्रिय जो नागरिक थे इन्हें आपका मताधिकार देने का यानी कि आप वोट देने का अधिकार था, और जो निष्क्रिय नागरिक थे इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था इसमें, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारे भारत में जब आपके वोट देने का अधिकार आया तो उसमें आपका किसी से कोई भेदभाव नहीं किया गया, फिर चाहे वो महिलाएं हो, फिर चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो,
सबको बराबर का हक दिया गया, ठीक है। ये आपका 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था थी। आगे चलते हैं हम लोग। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, इसे आप लोग राज्यसभा की तरह मान सकते हैं, ठीक है, कि जनता द्वारा ना चुन के विधायकों द्वारा चुनना, यह अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। जिस तरह से आप लोग विधायक को चुनते हैं, विधायक आपके राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। सभी नागरिकों को मतदान यानी कि वोट देने का अधिकार नहीं था इसमें। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक यानी कि जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। सीधा सा मतलब कह लीजिए कि जो लोग टैक्स देते थे उन्हें ही वोट देने का मत था। यही बात हमारे भी, जब हमारा भारत आजाद हुआ तो यही बात हमारे देश में भी उठी कि उन्हीं को वोट का अधिकार दिया जाए जो लोग कर देते हैं यानी कि टैक्स देते हैं। लेकिन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पर सहमत नहीं थे, ठीक है। उन्हीं का योगदान रहा कि आपके यहाँ सबको वोट का अधिकार मिला और विभिन्न पार्टियों को अस्तित्व में आने का अधिकार मिला, वरना कई आपके नेता ऐसे भी थे जो एक ही पार्टी को रखना चाहते थे हमारे देश में, बहुदलीय व्यवस्था के विरोध में थे वो लोग। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी होता था। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले बार्बिये द्वारा बनाए गए चित्र दाई ओर की आकृति फ्रांस को और बाई ओर की कानून को निरूपित कर दी है। ये देख लीजिए, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना यानी कि जन्म से प्राप्त थे और इन अधिकारियों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे, जिस तरह आपके मौलिक अधिकार है। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र देखते हैं। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी की नैसर्गिक एवं अहरणीय व्यवस्था को संरक्षित रखना है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में नहीं, कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं और कानून सम्मत विक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए आजाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित विक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना अथवा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक समान कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है।
जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो, ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर देना चाहिए। क्रांतिकारी पत्रकार जयपोल मारा ने अपने अखबार लामिदा पॉपल जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर एक टिप्पणी की थी। देख लीजिए इस टिप्पणी को भी। जनता के प्रतिनिधित्व का कारोबार अमीरों को सौंप दिया गया। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अखंड प्रमाण है कि धनन्य यानी कि बड़े वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करते हैं। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हर्ष अमीरों का भी करेंगे। ये समाचार पत्र लामिदा पॉपल से उद्धृत है, यानी कि लिखा गया था। यह आपका राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियां या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बिये ने अपनी पेंटिंग चिद्दार्ट में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं। टूटी हुई जंजीर। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। समय टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक होता था, कि मतलब आप लोग मुक्त हैं। छड़ों का बर्छीदा गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता है। एकता में ही बल है, इस तरह से समझाएगा। आपने एक कहानी भी पढ़ी होगी अपने कि किसी किसान के चार बेटे थे, वो अलग अलग रहते थे, उनमें बंदी नहीं थी। फिर उसने एक दिन पास बुलाया, फिर एक एक लाठी दी तो तोड़ दिया उन्होंने। जब सभी लाठियों को एक साथ बंद करके दिया तो नहीं तोड़ पाया। इस तरह की कहानी भी पढ़ते हैं, तो इसी तरह आप लोग एकता की मिसाल दी गई। समय भी त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें सर्वदर्शी आग का ज्ञान प्रतीक है। सूर्य की किरणें आज्ञा रूपी अंधेरे को मिटा देंगे। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता था इस समय। ठीक है, समझ सकते हैं। चलते हैं आगे हम लोग। लाल फ्राइजियन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी थी। नीला सफेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। डेनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप। विधि पटल कानून सबके लिए समान है, उनकी नजर में सब बराबर है। ठीक है, ये आपकी क्रियाकलाप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं। बस आपको ध्यान से आपके सभी कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं ने से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रोजेट द लायल द्वारा रचित मार्सेले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिली हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी क्रांति हो, फिर चाहे आपका विद्रोह या फिर कुछ भी बदलने की प्रक्रिया हो देश में, जब तक
आम नागरिक इसमें शामिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदल सकता है। हमारे देश को आजादी मिलने का कारण आप लोग एक तरफा गांधी जी को नहीं दे सकते हैं, नेहरू जी को नहीं दे सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नहीं दे सकते हैं। अगर आप सोचिए कि जनता को उन्होंने इकट्ठा ना कर पाते और जनता भागीदारी ना करती, तो आप भी समझते हैं कि 1857 का विद्रोह जिस तरह से फैल हुआ था, उसी तरह से फैल बना रहता, कभी हम लोग सफल ना हो पाते। जब नीचे का तबका से लेकर ऊपर के ऊपर का जो भी तबका है, सब एक होकर बदलाव की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्रांतिकारी युद्धों से जनता की भारी क्षति हुई, आर्थिक कठिनाइयां झेलने पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारियां औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जेकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिनका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ द सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्टी बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर, बदिहाड़ी मजदूर शामिल होते थे। उनका नेता मैक्स मिलियन रोबेसपियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग में ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन पर वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेस, घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का के ऐलान का उनका तरीका था। सौ कुलौत बिना ब्रीचेस वाले दंपत्ति, देखिए कॉन्वेंट, ये आपका धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत होती थी कॉन्वेंट। ठीक है, नानीन बाले लिबर्टी स्वतंत्र, यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटना क्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और हर 2 साल में लगने वाली सैलोन नामक नुमाइश में अपनी चित्रों को प्रदर्शित कर सकें। यह तस्वीर स्वतंत्रता की नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति का स्वतंत्रता का प्रतीक है। देख लीजिए इस चित्र को। इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलोत के नाम से, कुलोत के नाम से भी जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। सौन कुलोत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था इस समय, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने टियोलीरी के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया, कब्रिस्तान पारित किया, नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनकी उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली का कन्वेंशन का नाम दिया गया। जो नवनिर्वाचित असेंबली हुई, इसे कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार और उसके प्रमुखों का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। याद रखिए, आप लोगों ने जो कक्षा 8वीं की
कक्षा 8वीं की आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग थी, वो कक्षा 9वीं की जो आपने अभी लास्ट में लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट पढ़ा है, इसमें आपने राजतंत्र लोकतंत्र क्या होता है इसके बारे में विस्तार से पढ़ा हुआ है, तो वहां जाकर आप लोग पढ़ लें। गणतंत्र में मतलब गढ़ यानी कि लोगों का की भागीदारी, और राजशाही का मतलब सीधा सा है कि उसमें लोगों की भागीदारी न रखते हुए राजा का चुनाव राजा ही करेगा। फिर एक तरह से आप ले लीजिए कि राजा का बेटा राजा बन जाता है, यानी कि राजशाही उसमें रहती है, ठीक है। राजतंत्र गणतंत्र लुई 16वें कुनवाल न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरंभ में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंटोनेट का भी वही हस्त हुआ। देशद्रोह, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना आपका देशद्रोह कहलाता है, ठीक है। आपके देश में भी, अभी भारत देश में भी ये देशद्रोह का काफी चर्चा में शब्द रहा है अभी 2019-20 के करीब, ठीक है, तो याद रखिए। लेकिन आप क्या दूसरे परिप्रेक्ष्य में चर्चा में रहता है। आप देखिए, हमसे बेहतर पाकिस्तान की कानून व्यवस्था मुझे लगता है, ठीक है। अभी नवाज शरीफ का आपने देखा होगा पनामा पेपर्स में नाम आता है, उसने तुरंत पद से हटा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और अपने यहाँ देखिए, कितना भी बड़ा घोटाला हो लेकिन साफ बाहर ही रहेंगे, और चाहे कोई प्रधानमंत्री हो चाहे उसका बेटा हो, समझ रहे हैं। तो मुझे पाकिस्तान की कानून व्यवस्था ठीक लगी कि मतलब चलिए उस पर पनामा पेपर्स में नाम आया, तुरंत उन्हें हटाकर जेल में डाल दिया। आतंक राज, सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा गया है। समय रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्ती नीति अपनाई, उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं बादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खम्भों के बीच लटकती आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। इस तरह से अगर अपने यहाँ एकाध नेता का भ्रष्टाचारी का सिर कलम कर दिया जाए तो डरेंगे कि लोग कांपेंगे, वो सोचेंगे कहीं हम पे झूठा ही मुकदमा न लग जाए। तो देख सकते हैं आप किस तरह से सजा दी जाती थी। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों को की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपने अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया गया। अपेक्षाकृत महंगी सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मौन सिउर यानी कि महाशय, मदाम यानी कि महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोएन यानी कि नागरिक, सितोइन यानी कि नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या फिर दफ्तर में बदल दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, यानी कि इसका भी राम राम सख्त कर दिया गया। कितना सख्त कानून था, समझ सकते हैं आप लोग। स्वतंत्रता लिबर्टी क्या है, दो परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार केमिल डेस्मोलिंस ने सन 1793 में यह लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना था कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है, जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है। पर सत्य कुछ और है।
स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है, यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं, क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को, उसके दासियों, सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो ला मोनितेर यूनिवर्सल बर्सेल अखबार में छपा था। उसी भाषण का एक अंश है, लोकतंत्र को स्थापन और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हमको नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक के बस कठोर तुरंतता और अनम्य न्याय है, जिसका प्रयोग पित्त भूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। चलते हैं हम लोग आगे, चित्त देख लीजिए। 11 चित्त। क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए, उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संपोषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका क्लासिक की मंडप आपका अस्थायी सामग्री का बना हुआ, जिसे अब जब चाहे तोड़ा जा सकता था। चलते हैं हम लोग डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जेकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई थी आपकी। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका यानी कि डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जेकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी एक राजनीतिक अस्थिरता ने नौसैनिक यानी कि सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बन रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई ये समय? मेहनत तो देखो भाई करनी पड़ेगी। आप सोचो बिना मेहनत के कुछ बन जाए तो मुश्किल है। याद रखिए, मुझे लगता है कि अधिकतर लोग सिविल सर्विस की तैयारी से मजाक करते रहते हैं। मैं अभी कल फेसबुक खोल रहा था, वैसे मैं चलाता नहीं फेसबुक कभी कभार, तो मैं देख रहा था कि लोग वन डे मतलब तैयारी कर रहे होते, तुम्हें क्वेश्चंस का पता रहना चाहिए कि प्रीलिम्स में किस तरह का क्वेश्चंस रहता है। तो अधिकतर लोगों के पास क्वेश्चन पेपर ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं है उनके सामने। पर आपको पता होगा कि मैंने टेलीग्राम पर सभी कुछ आपके 2011 से 2019 तक के सभी क्वेश्चंस पेपर उपलब्ध करा दिए गए, सिलेबस MPPSC UPPCS सब, और जो भी आपकी NCERT जरूरी है वो भी वहाँ डाल दी गई। तो आप लोग क्वेश्चंस पेपर देख लिया करिएगा। कई लोग पोस्ट करते हैं वहाँ वन डे एग्जाम वाले क्वेश्चंस कि गांधी का जन्म कब हुआ। अरे भाई ये काम खत्म इनका हो गया, ये तो अब वन डे एग्जाम में भी नहीं पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन इस तरह की। सर आपने देखा होगा तो पैटर्न अच्छे से बदल चुका है, आप भी बदल जाइए इसके साथ। वर्षाय की ओर कूच करती पेरिस की औरतें, यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उसी दिन महिलाएं पेरिस से वर्षाय जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी।
महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वे सिलाई बुनाई कपड़ों की धुलाई करती थीं, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थीं। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति भी करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां या फिर तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में बहुत कम थी। अपने भारत में भी ये आशा बांधता आप लोग देखते हैं दिनचर्या में। महिलाओं ने अपने हितों के हिमायत करने और उन पर चर्चा के लिए खुद को के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें से द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने वाले तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बात नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रोक दे दिया गया। मर्द औरत दोनों को ही इनकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती हैं, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। एक बात आप समझिए, तलाक कानून को फ्रांस में कब देखिए 1791-92 के करीब कानूनी अधिकार मिल चुका था, 1800 के करीब। और आप देखिए अपने भारत में 2019-20 में जाकर मिल रहा है कानूनी अधिकार, और अभी भी लड़ाई चल ही रही है, समझ सकते हैं। तो यही तो पिछड़ने का कारण बनता है। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाएं संघर्ष जारी रहा। महिलाओं का आतंक राज के दौरान सरकार ने महिलाओं क्लबों को बंद करने की और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मानव मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। ठीक, क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज का जीवन याद रखिए। इस तरह से आप लोग नाम याद रखा करिएगा अपने स्वतंत्रता संग्राम में जिन महिलाओं की भूमिका रही है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग लिखते हैं तो इन्हें उदाहरण के रूप में उसमें एग्जाम्पल के रूप में डाल दिया करिएगा। इससे आपका आंसर होता है जो प्रभावशाली लगने लगता है। ठीक है, ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। 1793 में
ओलंप दे गुज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जिकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ओलंप दे गुज के घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार थे, इन्हें भी देख लेते हैं। औरत जन्मना स्वतंत्र है, यानी कि औरत जन्म से स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करता है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा, सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। समग्र संप्रभुता के स्रोत राष्ट्र में निहित हैं, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। कानून समान सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से या फिर बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है। गिरफ्तार और नजरबंद भी की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। बेकारी की दुकान पर कतार में महिलाएं। सन 1793 में जेकोबिन राजनीतिक सोमित ने इस आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने का निर्णय उचित ठहरा। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए है? नहीं, प्रकृति ने पुरुष से कहा, पुरुष बनो, शिकार कृषि राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य। प्रकृति ने महिला से कहा, स्त्री बनो, गृहस्थी के काम करो, मातृत्व के सुखद दायित्व यही तुम्हारे कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं। क्या जिम्मेदारी का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? फिर आपका दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जेकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडिलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता था। अपरिचित एवं दूर देश जाने पर और काम करने की पिति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और फ्रांसीसी सौदागरों बोर्दे या फिर नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां भी स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पास कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता। यहां आप समझ सकते हैं उनकी स्थिति के बारे में दासों की। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध बने गए। चित्र देख रहे होंगे आप लोग, 14 दास मुक्ति। सन 1794 को इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है, मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है, गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिका इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही। हमारे यहाँ भी आपके जो अंग्रेज थे यही बोलते थे कि हम लोग असभ्य हैं और हम लोगों को सभ्य बनाने के लिए ये आए हुए हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई। व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों, उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा से समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया।
लेकिन अंततः सन 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 साल बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नेग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। नेग्रो ये आपकी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग थे। यह अपमानजनक शब्द जिसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। क्रांति और रोजाना की जिंदगी, क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनकी द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्टिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आए वह था आपका सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजवंश के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक जो राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही विकासित या मंचित किया जा सकता था। आप भी सुनते हैं अभी भी कि आपकी कोई बुक्स होती है या मूवी होती है तो वो पहले सेंसर बोर्ड में जाती है, वो जब अप्रूवल देता है यानी कि स्वीकृति देता है उसके बाद ही उसे विकासित किया जाता है। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा, उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किया जा सके। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पंडितपूर्ण लेखन को समझने और उससे जोड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए संभव, यानी कि यहाँ इस समय लोग पढ़े लिखे लोग कम थे, ठीक है। चित्त से देख लीजिए 15 देशभक्त कसरती दाब मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था। अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र 1790 तक यह चित्र न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता था। यह आपका मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बाइली रचित चित्र, यह आपके यहां से संबोधित कर रहे हैं। इस अध्याय से मरा के बारे में आपको क्या याद है, इसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कर सकते हैं। तो इस अध्याय का आपका सारांश क्या है? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, यानी कि 1804 के पास आपका नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बनता है। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए। उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतौल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने है। देखिए चित्र 17 आल्पस पारकर्ता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया चित्र।
ये आपकी ने कहानी सुनी होगी कि आल्पस पर्वत इतना ऊंचा था कि लोग उसे पार नहीं कर पाते थे, नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सुनी होगी। ठीक है, जब वो जाता है उस आल्पस पर्वत की चढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ कोई बूढ़ी महिला मिलती है, औरत। तो वो कहती है, क्यों मरने आए हुए हो? सुनी है कहानी के? नहीं, अगर सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखिए, वरना नो। तो कहते हैं कि वो उस बूढ़ी माँ को हार पहना देता है अपने गले से उतार कर, कि तुमने बता दिया, तुमने मुझे हिम्मत दी। और वो बढ़ता जाता है, वो कहते हैं कि उसके सैनिक पूछते हैं कि आल्पस पर्वत कितने दूर है अभी? तो वो कहता है कि अभी नहीं, अभी आएगा, हम बता देंगे तुम लोगों को, वहाँ से तुम लोग लौट जाना। लेकिन कहते हैं कि आल्पस पर्वत चढ़ जाता है, उसके बाद उसके सैनिक पूछते हैं, तो वो कहता है, कौन सा आल्पस? आल्पस पर्वत। तो सब सैनिकों को हैरानी होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको कई तरह की इस तरह की कहानी भी सुनते हैं कि कोई मेढक था, वो एक पहाड़ पर चढ़ रहा था, या एक कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो वो बहरा था और सब चिल्ला रहे थे कि मर जाओगे मर जाओगे। उसे लग रहा था कि हिम्मत दे रहे हैं कि चलो चलो तुम चढ़ जाओगे, दो वो चढ़ जाता है, सफल हो जाता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि लोगों की बातें सुनना बंद कीजिए, क्योंकि लोग आपको हिम्मत देने की बजाय हिम्मत घटाएंगे, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देने की बजाय पीछे खींचेंगे। इसलिए अपने काम से मतलब रखिए। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले, और इसके कारण वहीं सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना की, अपने आंदोलन में दास से मुक्ति के व्यापार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से पीड़ा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। राजा राममोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वाले में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जुलाई क्रांति में उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केपटाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्ध को दिखाए जाए। ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें आप लोग देख सकते हैं। एक बात याद रखिए, आपकी जो भी पीडीएफ है सभी टेलीग्राम पर डाल दिए। अगर आपके पास भी सिलेबस नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लें, क्वेश्चंस पेपर अभी आप लोग सभी डाउनलोड कर लें। मिनिमम आप लोग 4 से 5 साल क्वेश्चंस लगा के रखा करिए। कोई भी क्वेश्चंस पेपर हो या फिर कोई भी परीक्षा हो आपकी, उसका सिलेबस और क्वेश्चंस पेपर होना जरूरी है। ठीक है, इसके बिना कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग इतना ध्यान रखा करिए क्या नॉर्मल सा। ठीक है, अगला अध्याय होगा हमारा दूसरा, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति की कहानी देख चुके हैं।